मिस्टर राजदीप गोस्वामी करके हैं, जिन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि डज फ्लक्चुएटिंग ऑफ डॉलर्स वैल्यू अगेंस्ट रुपीज अफेक्ट द पेमेंट इन एक्सपोर्ट्स। बहुत जायज क्वेश्चन पूछा राजदीप जी, कि उनका क्वेश्चन ये है कि सर ये डॉलर का प्राइस अप डाउन होता है तो क्या सर एक्सपोर्ट पेमेंट को लेकर हमें कोई इफेक्ट करता है? डेफिनेटली करता है। एक जस्ट सोचिए आप कि 1,00,000 रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया, 1,00,000 डॉलर का आप रिसीव करना चाहते हो, आपने एक्सपोर्ट किया, तकरीबन 25-30 दिन का टाइम होता है ऑर्डर बुक से लेके शिपमेंट से पेमेंट के आने की अगर बात करते हैं तो। आपने आज बुक किया है जहां पे डॉलर का रेट चल रहा है 72 रुपीज पर डॉलर, राइट? आपने 1,00,000 डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने मटेरियल रेडी किया, एक्सपोर्ट किया और पैसा आपका 1 महीने के बाद आया और उसमें गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी रही, आरबीआई का अच्छा कंट्रोल रहा, तो 72 रुपीज का डॉलर कम होके 69 हो गया। ना आपने माल कम भेजा है, ना पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, ना पार्टी ने आपको कम भेजा है, पार्टी तो आपको 1,00,000 डॉलर ही दे रही है, बट बिकॉज ये 72 रुपीज का डॉलर 69 रुपीज हो गया तो सीधा का सीधा 3 रुपया पर डॉलर आपका नुकसान हुआ है। यानी अगर बात करते हैं 1,00,000 डॉलर के ऊपर तो तकरीबन आपका 3,00,000 रुपए का नुकसान होगा। ये समझना बहुत जरूरी, इसीलिए हम लोग प्रोग्राम के दौरान ये सिखाते हैं कि कैसे ये फ्लक्चुएटिंग करेंसी जो होती है उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हो। आरबीआई ने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बैंक के साथ ओपन मार्केट रेट के साथ शेयर कर सकते हो। सो बहुत जरूरी है प्रॉपरली समझना, क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्ट में नहीं ये चीज इम्पोर्ट में भी लागू करती है। क्योंकि अगर आपने समझो कि वही रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, आपने कुछ सोचा कि 1,00,000 डॉलर का इंपोर्ट करना है मुझे, आज कॉन्ट्रैक्ट आपने बुक किया, डॉलर चल रहा था 69 रुपीज, अब जब आपका मटेरियल आ रहा है आपको पेमेंट करना है, उस वक्त 72 रुपीज हो गया, तो 3,00,000 रुपये नुकसान हुआ ना। तो दोस्तों उसके लिए भी सारी सिस्टम बनाई हुई है, डरने की कोई जरूरत नहीं कि लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं, सिर्फ डॉलर नहीं हर एक करेंसी के अंदर आप काम कर सकते हो जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल है, तो वो करेंसी का रोज का अप डाउन रहता है। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है वो समझिए फॉरेक्स कैसे काम करता है, वो प्रोग्राम के अंदर हम लोग बारीकाई से समझाते हैं कि कैसे काम करना है, ताकि आप ये डॉलर का अप डाउन जो होता है उसका प्रॉपरली कंट्रोल कर पाए। आई एम श्योर अजीज जी आपको ये आपका जो आंसर मिला होगा, आपको अगर अच्छा लगता है आंसर तो प्लीज रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आंसर पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हो पाए।